কালকে প্রমোদ প্রেম শিখতে পারে, রিতেশ শিখতে পারে, কলু শিখতে পারে, সব জানা শিখতে পারলো। সমর সিং হিরো না হবে ঝাঁট 5 লাখ কে ওকাত নেই কে 35 লাখ সে উপর কোনো সিনেমা কে আসবে না। মুজল আর ও টিভি কো রিমোট পা গেল লোক। हमारी 5 लाख की औकात तो बिल्कुल नहीं है, आपने ज्यादा बता दिया। मेरा औकात तो 2 लाख का है, 2 लाख भी नहीं, 1 लाख 1.5 लाख हमारा 2 रुपए का औकात है। अब आप आके फोन फेसबुक पे रोएंगे, हमारा सब कोई खिलाफ विरोध कर रहा है। अरे यार ऐसा काम करेंगे तो क्या होगा, आपके जैसे औकात वाले लोग हमारे सामने बैठ नहीं पाएंगे। औकात की बात करते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। हमारे ख्याल से नीचे से दूसरे या तीसरे नंबर पे आएंगे आप, खाली सुई लगा के बॉडी फुलौला से हो जाई। बोलते हैं कि हमनी के बुद्धि ठेवना में होला। अरे आपको देख के लोग सीखते हैं, आपको अपना आइडियल मानते हैं। आपके बिरादरी के हैं प्रमोद प्रेमी यादव जी, क्यों नहीं उनको आप एक भी फिल्म में सपोर्ट कर दिया। आपके बिरादरी के ही तो हैं, बहुत सम्मान करता हूं आपका, लेकिन जो जो शब्द आप यूज किए हैं कि इन लोगों की औकात 5 लाख से ज्यादा की नहीं है। हमारा फिल्म गया है सरफरोश 60 लाख रुपए में। हमारा एक गाना हिट हुआ था करुआ तेल, उसको गा दिया था आपने, आपने तो हमारा करियर खत्म कर दिया था। एक गाना और था हमारा, अभी बजलने के 5 का है बंद भइल नाच, वो भी गाया था आपने। चुनरी झलकौआ वो भी गाया आपने। हमारा तो आप करुआ तेल मेरा पहला गाना बजा था, खून भरी मांग आपने पिक्चर में गाया था। हमारा तो करियर खत्म कर दिए थे आप। माँ विंध्यवासिनी की कृपा और दर्शकों का प्यार नहीं होता, हमारा जाए चंदा नहीं आया होता, तो हमारा तो करियर ही खत्म हो गया था। और हमारा ही क्या, हमारे जैसे सैकड़ों लड़कों का आप करियर खत्म कर चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले एक स्टेज का ही वीडियो देखा था मैंने, झगड़ा गाना एक गाया था आपने और आपने बोला झगड़ा बजावा, तो वो ओरिजिनल जिसका गाना था वो साउंड बजाने वाले ने वो बजा दिया था। क्या इज्जत रह गई थी भैया, आप हमारे बड़े हैं, हमारे आदरणीय हैं, आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है। लेकिन एक बार अपने गिरेबान में भी तो झांकना चाहिए ना किसी को कुछ बोलने से पहले। हमारी 5 लाख की औकात तो बिल्कुल नहीं है, आपने ज्यादा बता दिया। मेरा औकात तो 2 लाख का है, 2 लाख भी नहीं, 1 लाख 1.5 लाख हमारा 2 रुपए का औकात है। लेकिन औकात में हम आपसे बहुत बड़े हैं, 2 रुपए की औकात है फिर भी औकात में आपसे बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। आपके जैसे औकात वाले लोग हमारे सामने बैठ नहीं पाएंगे। औकात की बात करते हैं, कंट्रोवर्सी शुरू से लेके आज तक, कंट्रोवर्सी में रहना आप चाहे हैं, कंट्रोवर्सी किस वजह से आपको फायदे भी बहुत मिले हैं। आप आज की डेट में इंडस्ट्री में हैं तो सिर्फ और सिर्फ बिकॉज ऑफ कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी से ही आपको फायदा मिला है। हम बिल्कुल कंट्रोवर्सी में नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन हम सभी भाइयों की आप औकात देखे हैं, औकात का पैमाना बिल्कुल पैसा नहीं होता है। और जो रियली औकात बोलेंगे ना उसमें हम आपसे बहुत बड़े हैं औकात में। बोलते हैं कि हमनी के बुद्धि ठेवना में होला। अरे आपको देख के लोग सीखते हैं, आपको अपना आइडियल मानते हैं, आप अपने आइडियल मानने वाले लोगों को यही सिखा रहे हैं। ये तो पहले लोग उपहास कहते थे ये बात बोल के, आप जाके अब जिस ये यादवों के सिरमौर हैं अखिलेश यादव जी माननीय, उनके सामने जाके कहेंगे कि द्वार बुद्धि ठेवना में बा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से वो पढ़ के आए हैं, उनके सामने जाके कहिए कि त्वार बुद्धि ठेवना में बा, समझ में आ जाई। और आप बिरादरी की बात करते हैं, आपके बिरादरी के हैं प्रमोद प्रेमी यादव जी, क्यों नहीं उनको आप एक भी फिल्म में सपोर्ट कर दिया। आपके बिरादरी के ही तो हैं, एक फिल्म में उनको ले लिए होते, अरे कुछ भला कर दिए होते अपनी बिरादरी का। आप सिर्फ अपना भला चाहते हैं,
आपकी बिरादरी के बहुत सारे लोग, बहुत सारे गायक स्ट्रगल कर रहे हैं इंडस्ट्री में, किसी एक की उंगली, अरे हमारी छोड़िए, किसी एक की उंगली पकड़ के आगे बढ़ गए होते कि ये मेरा भाई है। भैया मैं बहुत सम्मान करता हूं आपका, लेकिन जो जो शब्द आप यूज किए हैं कि इन लोगों की औकात 5 लाख से ज्यादा की नहीं है, हमारा फिल्म गया है सरफरोश 60 लाख रुपए में, आप दौड़ने की बात करते हैं इंडस्ट्री में। बहुत एक एक मैंने कल आपका वो देखा, उसके बाद मैंने बड़े भैया अभय सिन्हा जी को फोन किया था, इसलिए क्योंकि उनका बात इंडस्ट्री में कोई नहीं टालेगा। मैंने उनको फोन किया, बोला कि भैया एक प्रतियोगिता करवाइए आप, दौड़ की प्रतियोगिता, जिसमें इंडस्ट्री के सारे हीरोज को भाग लेवाइए, और सारे हीरोज को आप फोन करके पर्सनली बोलिए कि इतने तारीख को, आज से 6 महीना बाद, 6 महीने का सबको तैयारी का मौका दीजिए, 6 महीना बाद एक प्रतियोगिता होगा दौड़ का इंडस्ट्री में। अब आप पवन भैया ही नहीं है, हम लोग भी हैं, छोटे छोटे आपके भाई आपके पद चिन्हों पे चल रहे हैं, हम लोगों को भी उसमें शामिल किया जाए। उसमें बहुत सारे लोग हैं, चिंटू जी हैं, यश मिश्रा जी हैं, राकेश मिश्रा जी हैं, गौरव झा जी हैं, और अंशुमान सिंह राजपूत जी हैं, आदित्य भैया हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं, सबको सम्मिलित किया जाए, 6 महीने का टाइम दिया जाए सबको कि हाँ भाई तुम तैयारी करके आओ, 6 महीना बाद दौड़ की प्रतियोगिता होगी। देखते हैं कौन जीतता है, हमारे ख्याल से नीचे से दूसरे या तीसरे नंबर पे आएंगे आप, खाली सुई लगा के बॉडी फुलौला से हो जाइए। और हमको एक बात ये भी पता है कि 2 दिन बाद आप आके फोन फेसबुक पे रोएंगे, हमारा सब कोई खिलाफ विरोध कर रहा है। अरे यार ऐसा काम करेंगे तो क्या होगा, अरे आप क्या कर रहे हैं भाई, आप किसी को आने नहीं देना चाहते हैं। आप जिस जगह पे है ना, उसके उस जगह पे कोई और था पहले, अगर वो ये सोचा होता ना कि अपने से छोटों को, अपने से जूनियरों को नहीं आने देना है, तो आप इस जगह पे नहीं होते।